स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी कर रहे थे मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर, और उसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर के विषय में हम लोग पढ़े थे। मेंडेलियन डिसऑर्डर दो तरह के होते हैं, एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर और दूसरा ऑटोसोमल डिसऑर्डर। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये मेंडेलियन ऑटोसोमल डिसऑर्डर हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें पहला देखते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो इसमें क्या होता है कि ये आप देखिए सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इट इज कॉज्ड ड्यू टू रिसेसिव म्यूटेंट एलील, एक म्यूटेंट एलील के कारण ये होता है। और ये जो जीन होते हैं ये ऑटोसोम्स पे लोकेटेड होते हैं। ऑटोसोम्स में बता चुके हैं कि वो क्रोमोसोम ऑटोसोम्स कहलाते हैं जो सेक्स डिटरमिनेशन में भाग नहीं लेते हैं। तो ये जो जीन है ये क्रोमोसोम नंबर 7 पे लोकेटेड होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि क्रोमोसोम्स ह्यूमन में कितने होते हैं, 46 होते हैं, और वो सभी पेयर में अरेंज होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये जो है जीन जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस को कॉज करते हैं वो 7 पेयर जो है क्रोमोसोम उस पर लोकेटेड होते हैं। दिस जीन प्रोड्यूसेस अ यूनिक ग्लाइकोप्रोटीन, ये एक एबनॉर्मल ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और दिस ग्लाइकोप्रोटीन लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस ऑफ हाई विस्कोसिटी। ये ग्लाइकोप्रोटीन जो यूनिक ग्लाइकोप्रोटीन बन गया, यानी एबनॉर्मल ग्लाइकोप्रोटीन बना, ये क्या करते हैं एबनॉर्मल म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं जिसका काफ़ी हाई विस्कोसिटी जो काफ़ी हाई होते हैं। और दिस टाइप ऑफ ये म्यूकस जो है ये क्या होते हैं इसका काफ़ी हाई विस्कोसिटी काफ़ी हाई होते हैं, और इस तरह के म्यूकस जो है इंटरफेयर करते हैं किसमें, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ मेनी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स लाइक स्वेट ग्लैंड यानी पसीना ग्रंथि, लीवर, पेंक्रियास एंड लंग्स। दिस टाइप ऑफ म्यूकस इंटरफेयर्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ मेनी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स लाइक स्वेट ग्लैंड, लीवर, पेंक्रियास एंड लंग्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड किसको कहते हैं, वैसे ग्लैंड जिसमें डक्ट होते हैं, एक होता है डक्टलेस ग्लैंड जिसको कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, और इसमें डक्ट्स होते हैं और डक्ट के माध्यम से भी उसके सेक्रेशन जो होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गन को जाता है। तो ये क्या कहते हैं इंटरफेयर करते हैं सम एक्सोक्राइन ग्लैंड जिससे स्वेट ग्लैंड, पसीना ग्रंथि, लीवर और पेंक्रियाज और लंग्स को। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, the mucus accumulates in the tubules of lungs and causes bronchitis. ये lungs के जो tubules होते हैं, tubes जो fine branches होते हैं उसको कहते हैं tubules, और वो फिर cause करता है bronchitis को, यानी सांस लेने में problem होता है। तो इस तरह ये क्या कहते हैं आपका cystic fibrosis हुआ, और इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे ये ऑटोसोमल मेंडेलियन ऑटोसोमल डिसऑर्डर। अब हम लोग चर्चा करते हैं दूसरा जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल मतलब क्या होता है, कचिया, हसिया जो होता है इस टाइप के। हसवा कचिया आप देखेंगे, यानी कि इसमें आरबीसी का शेप जो है बाय कनकेव से सिकल शेप रहता है, इस तरह के हो जाते हैं, और ये ब्लड कैपिलरीज में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ब्लड के फ्लो में डिस्टरबेंस पैदा करते हैं। तो इसको देखते हैं ये क्या करते हैं, इसके संबंध में क्या क्या मुख्य बातें हैं। तो इट इज कॉज ड्यू टू अ म्यूटेंट रिसेसिव एलील, इसके एलील जो होते हैं यानी जीन जो होते हैं, एलील का जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन, तो वो क्या होते हैं रिसेसिव होते हैं,
और दिस जीन इज लोकेटेड ऑन क्रोमोजोम 11, ये क्रोमोजोम 11 पे लोकेटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, दिस म्यूटेंट जीन कॉजेज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन एट द सिक्स्थ पोजिशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में चार चेन होते हैं, दो बीटा चेन होते हैं, दो अल्फा चेन होते हैं, तो उसमें जो सिक्स पोजिशन पर है उसमें ये क्या करते हैं कि ये ग्लूटामिक एसिड की जगह फिर क्या लाते हैं, वैलिन को। ठीक, तो इससे क्या हुआ, एक डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन बन जाता है। तो दिस डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन अंडरगोज पॉलीमराइजेशन इन डेफिशिएंसी ऑफ O2। जब ये क्या कहते हैं, डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन बन गया तो ऑक्सीजन की कमी जब होती है तो ये क्या होते हैं, एकुमुलेट हो जाते हैं, जमा होने लगते हैं। इन दिस कंडीशन द शेप ऑफ आरबीसी इज चेंज इनटू सिकल शेप, मैंने हंसी आ गया, कचिया आकार का हो जाता है आरबीसी का शेप। दिस डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील्स, यानी कि कोई भी कैरेक्टर दो एलील के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो एक उसमें एलील जो होते हैं वो मदर से आते हैं, एक फादर से आते हैं। तो इसमें देखिए HBA नॉर्मल कंडीशन है और HBS फॉर सिकल सेल, तो सिकल सेल जो होते हैं उसके लिए S या ये एबनॉर्मल कंडीशन है। तो वनली होमोजाइगस कंडीशन, जब HBS दोनों एलील पे ये जीन एलील होंगे सिकल सेल वाले, तभी ये डिजीज को शो करेगा। और हेट्रोजाइगस कंडीशन जब होगा, एक पे नॉर्मल ये क्या करते हैं जीन होगा और दूसरे पर ये सिकल सेल वाले होंगे, तो ये कैरियर का काम करेगा, क्योंकि ये रिसेसिव है तो ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। तो ये सारी बातें हुई सिकल सेल एनीमिया के संबंध में। अब हम तीसरे जो मेंडेलियन ऑटोसोमल डिसऑर्डर है उसकी चर्चा करेंगे। अब हम लोग तीसरे जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है उसकी भी हम चर्चा करते हैं, और वो है फिनाइल केटोनूरिया। इसके संबंध में महत्वपूर्ण बातें देखते हैं कि क्या क्या सब है। इट इज कॉज ड्यू टू अ रिसेसिव म्यूटेंट एलील, ये एक रिसेसिव म्यूटेंट जी मतलब जिसमें कि सडन चेंज हुआ है उस एलील के कारण होता है। दिस जीन जीन एलील या एलील जीन जो का ही डिफरेंट फॉर्म है एलील, तो उसको जीन भी कह सकते हैं। दिस जीन इज लोकेटेड ऑन क्रोमोजोम 12, ये क्रोमोजोम 12 पे लोकेटेड होते हैं। और इसके बाद क्या है, इसमें जो अफेक्टेड पर्सन है वो क्या है, अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स इन एंजाइम, यानी कि जो ये एलील है जीन है वो क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, एंजाइम भी एक प्रोटीन है, तो ये इसमें प्रॉपर जो एंजाइम बनना चाहिए वो नहीं बनता है। तो अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स इन एंजाइम, उसमें एक एंजाइम की कमी होती है जो कि वो नॉर्मल जो जीन है वो बनाता है। तो दिस एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्सन ऑफ एन एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड जो था ये क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करता था किसमें, फिनाइल एलेनिन इनटू टायरोसिन। ये जीन जो एंजाइम बनाता था उस एंजाइम का क्या काम था, ये एक एमिनो एसिड फिनाइल एलेनिन एक एमिनो एसिड है, इसको कन्वर्ट करता था वो टायरोसिन में। अब जो एंजाइम नहीं है तो ये क्या होता है कि इन अब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम, उस एंजाइम जो कि फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन बदलता था, उसकी कमी हो गई, तो उसकी कमी के कारण या अब्सेंस के कारण क्या हुआ, फिनाइल एलेनिन इज कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पाइरूवेट एंड अदर डेरिवेटिव्स। ये इस एंजाइम के कमी के कारण फिनाइल एलेनिन जो टायरोसिन बदलता था वो किस में बदल गया, फिनाइल पाइरूवेट में और कुछ अदर केमिकल सब्सटेंस अदर डेरिवेटिव्स। फिनाइल पाइरूवेट इज एक्यूमुलेटेड इन द ब्रेन, ये फिनाइल पाइरूवेट
और कुछ अदर जो डेरिवेटिव्स बने ये सब जमा होने लगते हैं ब्रेन में एंड कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन और मानसिक क्षमता में कमी लाता है। तो क्या हुआ पॉइंट, फिनाइल पाइरूवेट इज एक्यूमुलेटेड इन द ब्रेन एंड कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन, ब्रेन में जमा हो जाता है और मानसिक क्षमता में कमी लाता है। दीज केमिकल्स आर आल्सो एस्पिरेटेड थ्रू यूरिन, ये केमिकल्स जो है फिनाइल पाइरूवेट और अदर डेरिवेटिव्स वो यूरिन के द्वारा भी एक्सक्रीट होते हैं क्योंकि एज दे आर नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द किडनी, किडनी में जो रिनल ट्यूब्यूल्स में रीएब्जॉर्प्शन होते हैं उसमें ये रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं और ये यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। इसमें हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की चर्चा करेंगे। आज का क्लास ही समाप्त होता है। थैंक यू।